हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम अमदास है, मैं बशर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं मोदी जी की कुछ थग लाइव वीडियोस। तो मजा आता है, मोदी जी कितने ज्यादा सैवेज हैं आज इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है। पाकिस्तान के हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा है इसको, उसको बेटा पढ़ने का नहीं, पढ़ने पहले बाप से आके लड़ने का नहीं, गलत रास्ते को चुन के आगे बढ़ने का नहीं। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। लेकिन आपने ऐसी ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिलर। ला भोली के बेटे बेटे अबे आज कर दी वाह बेटे वाह। की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था, मुझे देर नहीं लगती। आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। जवाब दे रहे हैं। डिस्लेक्सिक पीपल, डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर आएगी। तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहां रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय करके ऊपर से चले। बहुत खाली मैंने बहुत ताली पर, बहुत खाली मेरी बहुत खाली में तसोस ताली पर, अफसोस सॉरी मुझे बहुत जाली लगे ग्रोथ सारी, बहुत नोट कमाने की ऐसी होप तो नहीं, स्कॉच नहीं तो बेटा वोट का सही, मैंने बहुत सारे मौके। 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट। आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन व्हाट हैपेंड टू यू, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम गो टू द डॉक्टर प्लीज। सभापति जी मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि किसे बोला, शायद वफादारी में ऑपोजिशन कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है,
लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से, या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही है? मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। अब मैं आपसे साफ साफ पूछ लेता हूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? मैं आपको साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब तक आपने साफ साफ पूछा क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं है, उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया, और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? ये रजत शर्मा को पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ, ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम। और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। भाई वर्ड्स बोला आते यार, कहते हैं कभी कहते हैं 30-40 साल के बच्चे को, कहता है इनको ऐसी जगह जल्दी समझ नहीं आएगी। वो जो कहते हैं स्पीकर जी प्लीज रहने दीजिए, रेणुका जी को कुछ ना कहिए, महाभारत सीरियल के बाद ऐसी भाई वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है भाई। और ऊपर से एक और जो बोला है ना, उन्होंने कहा है कि जिसको जो जिस भाषा में बात करता उसी भाषा में जवाब दिए, उसी में जवाब दे। और वो बड़ा मजे को कहता है हमारे पास क्या पटाखे हैं दिवाली के लिए, पटाखे अबे हमारे पास क्या दिवाली के लिए पटाखे हैं भाई। ये बात है यार, जवाब देखो, उसने एक ने बहुत गलत लफ्ज अपोजिशन जिसने भी किया, लेकिन उसको भी किस तरह पॉजिटिव करके उन्हीं को जलील कर दिया। सही बात है, ये तो है यार भाई, ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का मोदी जी का, मानो या ना मानो। हाँ आपके अदालत वाले को भी पकड़, और को भी पकड़, कहते हैं आप क्या कपिल शर्मा शो के जो है ना स्क्रिप्ट राइटर है। मजा आया टोटली गाइस, कैसी लगी वीडियो बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।